got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑन रोड पे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हम अभी आए हैं सब्जी पार्क के अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि मेरी आवाज़ थोड़ा सा हो सकता है साउंड में प्रॉब्लम हो, मेरी तबीयत दो दिन से ख़राब है, जिस वजह से हम ठीक से शूट नहीं कर पा रहे हैं, एडिट भी नहीं सही से हो पा रहे हैं, इस वजह से वीडियो बहुत कम आ रहा है। लेकिन आज आए हैं, कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो मुझे आज का एक ब्लॉग कर लें। तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि 1885 में बनाया गया था और उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। और इसमें क्या क्या इस बार फैसिलिटी मिलेगा, वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, नीचे आ रहा होगा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ भी फॉलो कीजिए। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल का सबसे पहले हम डिटेल में जो है लोकेशन का बात करेंगे। लोकेशन के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो ये है सब्जी बाग में, मेन सब्जी बाग का जो जहां सब्जी बाग है वहीं पे सामने में बनाया जा रहा है, मेन रोड पे ही। आपको दिखाते हैं लोकेशन, ये देख सकते हैं इस तरफ है मेरे सब्जी बाग मार्केट, ये है सब्जी बाग, और यहीं पर अंजुमन इस्लामिया हॉल बनाया जा रहा है, जो कि रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है दोबारा फिर से नया। और चलिए अब अंदर ले चलते हैं। ये है इसका मेन गेट, यहाँ मेन गेट से अंदर करते ही आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, जो कि अभी यहाँ काम चल रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में आपको पानी का फव्वारा दिखेगा, जो कि दिख रहा है अभी, इसमें भी काम चल रहा है, जो कि इसमें लाइटिंग वाइटिंग भी किया जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला है, देख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कैंपस का, तो कैंपस में पार्किंग बनाया गया, जो कि एक उस साइड से रास्ता जाता है और एक इस साइड से, जिसमें बाइक और कार का पार्किंग का सुविधा दिया जाएगा। अब चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा अंदर का व्यू ले लेते हैं। और ये अंजुमन इस्लामिया हॉल का डिटेल में अगर बात करें तो हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद सिवली अली, जो कि यहाँ के साइट इंजीनियर है। आप उनसे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में और जानते हैं कि क्या है और क्यों इसको बनाया जा रहा है। तो भैया सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। ये जो अंजुमन इस्लामिया हॉल बनाया जा रहा है, ये 1885 का ये था पहले बना हुआ, जो स्थापना हुआ, अब इसको दोबारा मतलब रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, और इसमें तो अब क्या क्या सुविधा मिलेगा लोगों को, जो अब इनोवेशन है इसमें टोटल जो है ना 6 फ्लोर है, टोटल 6 फ्लोर। हाँ, बेसमेंट अलग। बेसमेंट क्या, पार्किंग के लिए लगभग आपको 30 से 40 गाड़ियाँ उसमें लगेंगी, मोटरसाइकिल भी अभी कौन लगभग 50 मोटरसाइकिल लग जाएगी। उसके ऊपर वाले हॉल में आपको फंक्शन हॉल दिया गया है, और उसके ऊपर वाले में भी फंक्शन हॉल, दो साइड आपका फंक्शन हॉल, दो साइड फंक्शन हॉल। आपका फंक्शन में मतलब ग्राउंड, किस टाइप का फंक्शन, शादी हो गया, पार्टी फंक्शन जो भी हुआ, उसमें ग्राउंड और फर्स्ट आपका जो है उसमें फंक्शन हॉल है, दोनों लेफ्ट और राइट। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको मल्टीपर्पज़ हॉल मिलेगा, मल्टीपर्पज़ इन द सेंस बोले तो कभी आपको कोई कॉन्फ्रेंस कराना हुआ या एग्जीबिशन कराना हुआ तो उसके लिए आपको उसमें हॉल मिलेगा। उसके हिसाब से उसमें आपको बाथरूम भी है, लिफ्ट भी आपको लगा हुआ है, टोटल फैसिलिटी सेंट्रलाइज ऐसे भी है उसमें। उसके ऊपर भी आप जाएंगे तो मल्टीपर्पज़ हॉल है, लेकिन उसको हम लोग छोटा मीटिंग अगर है तो उसमें इसको हम लोग यूज़ करें, छोटा मीटिंग। हाँ, सेम आपको उसके ऊपर में भी है, और फिफ्थ फ्लोर पे, थर्ड और फोर्थ मेरा सेम, फिफ्थ फ्लोर पर हम लोग जाते हैं तो वो हॉल और छोटा हो जाता है, ठीक है। उसको भी अभी तक बात चल रही है यहाँ पे कि उसको हम लाइब्रेरी देंगे या फिर कोचिंग क्लासेस करेंगे, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट जो होते हैं फाइनेंशियली वीक, उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे किया जाए। 6 फ्लोर पे टोटल आपको डिलक्स रूम है, लेट्रिन बाथरूम अटैच है उसमें, मतलब अच्छा एक व्यू आपको उस पर। तो ये क्या मतलब पूरा फ्री रहेगा कि सब टोटल चार्ज, पहले जो अंजुमन थी उसमें आपको सिर्फ शादी कर सकते हैं, अभी क्या इसमें मल्टीपर्पज़ जो भी काम करना आप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसका अलग अलग चार्ज है, जो अभी तक आया नहीं, मतलब अभी सारा कुछ फैसला अभी हुआ अभी, नहीं। अभी वो जब इनोवेशन हो तो सारा कुछ, जब तक हम लोग बिल्डिंग, अभी हम लोग बेसमेंट और ग्राउंड इसको हैंड ओवर किया है, इसके ऊपर जब हम लोग फुल बिल्डिंग हैंड ओवर करेंगे तब जा करके इसकी जो भी प्लानिंग होगी वो आपको। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा जानकारी दिए हैं भैया।
और इसके बाद अब चलते हैं फुल अंदर घूमकर देखते हैं कि क्या क्या अभी तैयारी हुआ है यहाँ का। तो चलिए मेरे साथ, अब चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है कॉमन हॉल। एंटर करने के कॉमन हॉल, जो कि यहाँ से आपका सीढ़ी जाएगा ऊपर की तरफ। इधर वॉशरूम वगैरह बनाया गया है, उधर आपका मैरिज हॉल जो बन दिया गया है वो पीछे है, इस तरफ भी है। प्लस सीढ़ी और लिफ्ट का जो सुविधा है यहीं से दिया जाएगा। लिफ्ट अगर हम दिखा दें तो यहाँ पे दिया गया है एक रूम कॉरिडोर बना के, ये इस तरफ आपका लिफ्ट रूम है। और इधर नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है जहाँ पार्किंग बनाया जाएगा जब ये इनॉग्रेशन होगा। और ऐसे ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें दिया गया है जो कि अभी चालू नहीं हुआ है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल में आवाज़ गूंज रहा होगा मेरा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो देख लीजिए यही कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें आवाज़ मेरा आप तक सही से नहीं पहुंच पा रहा होगा। अब चलिए इसका कॉरिडोर में चलते हैं। लॉक है ये कॉरिडोर, लॉक है, अंदर जा नहीं पाएंगे। इस तरफ भी एक कॉरिडोर है, चलिए ये भी लॉक है, अंदर जा नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं कोई दूसरा रास्ता अगर मिलता है ऊपर जाने का तो छत पर भी ले जा चलेंगे आप। अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे चल रहे हैं। सेकंड फ्लोर का ये सीढ़ी है, तो हम लोग सीढ़ी चढ़ के अब आए हैं सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर को दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बनाया जा रहा है। मैरिज सेरेमनी हो या कोई पार्टी वार्टी फंक्शन हो तो उसके लिए आप बुक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ, और जल्दी इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, कब होगा ये बताएंगे वीडियो में आगे अगर हमें पता चला तो। अभी फ़िलहाल अभी आप यहाँ का व्यू देखिए, ये देखिए इधर से सब्जी बाग आपको दिखेगा। और इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि इस इस्लामिया हॉल का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब समझ सकते हैं 1885 का के टाइम का। बहुत सारे उस टाइम के नेता लोग हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। ये तो नया बना है, अभी रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है, लेकिन जब ये पुराना वाला था उसका हम बात कर रहे हैं। और उसी को तोड़कर फिर से नया बनाया जा रहा है ताकि ये आगे और लोगों के काम आ सके और बहुत कुछ नया इसमें फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। जो अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर शूटिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। काफ़ी अच्छा है अंजुमन इस्लामिया हॉल 1885 में बन करके तैयार हुआ था, आज़ादी से भी पहले। और ये ऐसा प्लेस था जहाँ पर जंग आज़ादी के लिए कई ऐसी मीटिंग्स की गई, इवन कि जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कई बड़े बड़े जो लीडर थे उस समय के वो सभी लोग आकर के यहाँ पर संबोधित करते हैं, मतलब भाषण वगैरह देते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई ये समझ रहा है कि अंजुमन इस्लामिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का पहले से बना है, नहीं, ये बिहार सरकार का प्रॉपर्टी है और ये सभी धर्मों के लिए, यहाँ पर हर एक मज़हब के लोग हर एक धर्म के लोग अपने चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाएंगे, कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे, शादी हर धर्म के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक कम्युनिटी हॉल ब्रॉस, आप मैरिज हॉल बुक करते हो तो पैसे देते हो, वैसे इसको एक बुकिंग करनी है। अब वो क्या रेट होगा वो गवर्नमेंट तय करेगी आगे, लेकिन अभी फिलहाल ये बना बहुत तगड़ा है, जैसे कि भाई की वीडियो में ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। भैया बहुत जानकारी अच्छा दी है जिसके बारे में हमको भी नहीं पता था। तो चलिए अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक ले टेक केयर, बाय 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 बाय, जय हिंद जय बिहार।